नमस्कार एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल व्यूअर्स आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिकेयर द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता पिछले कुछ हफ्तों से चलती आ रही है हमने गोवा के बहुत सारे स्कूलों को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखा है और आज यहाँ इस प्रतियोगिता का अंतिम दौर है द फाइनल्स ऑफ कलाइडो टुडे पिछले दो राउंडों में हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से दो दो टीमें चुनी गई और आज चार टीमें इस प्रतियोगिता के फाइनल में हैं जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि ये प्रतियोगिता अलग अलग भाषाओं में आयोजित की गई है जैसे कि फ्रेंच पोर्चुगीज़ कोकनी मराठी लेकिन आज यहाँ हिंदी भाषा की अंतिम दौर है द फाइनल्स ऑफ कलाइडोस्कोप तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रतियोगिता की अंतिम फेरी द फाइनल्स ऑफ कलाइडोस्कोप और ज़ोरदार स्वागत करते हैं हमारी चारों टीमों का इन चार टीमों ने आज यहाँ फाइनल में प्रवेश किया है और इनका मैं आपसे परिचय करवाता हूँ सबसे पहले है यहाँ यमुना टीम फादर आग्नेल आश्रम वेरना से आप अपना परिचय करवाएंगे मेरा नाम फैजल शेख है और मैं निकिता मनीस गामा हूँ और हमारे ग्रुप का नाम यमुना है जैसे कि आप जानते हैं कि यमुना भारत की एक पवित्र नदी है यमुना को गंगा की बहन भी माना जाता है उसका रंग काला होता है उसके रंग काला होने का कारण है कि उसमें काली रेत होती है ऐसा कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूबा के याद में वहाँ पर उसके तट पर एक ताजमहल बनाया जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है तो चलिए ज़ोरदार तालियां हो जाए टीम यमुना के लिए फादर आग्नि आश्रम वैरना से आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी टीम है सेंट जेवियर्स मापसा से टीम इंदिरा गांधी आप अपना परिचय करवाएंगे मेरा नाम है ममता दीपक वेरलेकर और मेरा नाम है गुलाम अंसारी और हम सेंट जेवियस उच्च माध्यमिक विभाग से आए हैं हमारे टीम का नाम इंदिरा गांधी इसलिए है क्योंकि भारत ने जब आज़ादी पाई और उसने सुनहरे देश देखने होने का सपना देखा तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किया इंदिरा गांधी जी ने और उन्होंने एक तारणहार के रूप में उभर कर आई और यही भावना हम सब में जागरूक होनी चाहिए एक तारणहार की भूमिका निभानी चाहिए यही हमारा संदेश भी है क्योंकि आ, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए क्या बात है स्वागत करते हैं हम टीम इंदिरा गांधी का जेवियर्स मापसा से। और आज की हमारी श्रुतिका गोसावी और मैं शहनाज बेगम हम दोनों एम ई एस हायर सेकेंडरी स्कूल से है हमारी टीम का नाम महादेई है क्योंकि महादेई यह गोवा की जीवनदायिनी है इस इस नदी को मांडवी नाम से पहचाना जाता है तो चलिए जोरदार स्वागत करते हैं टीम महादेव का एम स्कूल वास्को से और आज की हमारी आखिरी टीम वो है रोजरी नावेली से टीम तिरंगा आप अपना परिचय करवाएंगे मेरा नाम पूजा शर्मा है मैं शरवानी सांबारी और हम दोनों रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावेली से हैं हमने हमारे टीम का नाम तिरंगा रखा है क्योंकि तिरंगा हमारे देश की स्वतंत्रता राष्ट्रीयता समानता और एकता का प्रतीक है और हमारे देश की आन बान और शान है चलिए जोरदार तालियां हो जाए टीम तिरंगा के लिए भी हमारी चौथी और आखिरी टीम आज हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी है जो कि हमारी टीम को प्रोत्साहित करेंगी तो तालियां हो जाए ऑडियंस तो सारी टीमें रेडी है ऑडियंस रेडी है तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी दौर द फाइनल्स ऑफ कलाइडो आज की इस प्रतियोगिता में पांच राउंड्स होंगे सबसे पहले शुरू करते हैं पहले राउंड से पहले राउंड में एक सवाल मैं यहाँ से शुरू करूँगा टीम यमुना से आपने अगर उस सवाल का सही जवाब दिया तो आपको दस अंक मिलेंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे वो सवाल आगे बढ़ेगा टीम इंदिरा गांधी और फिर उसके बाद महादेव इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सही सवाल दिया सही जवाब दिया आपने तो आपको दस अंक मिलेंगे ठीक है कोई सवाल कोई शक तो चलिए शुरू करते हैं पहला दौर फाइनल्स का सबसे पहला सवाल है टीम यमुना के लिए आपने दोनों कहानियाँ पढ़ी होंगी अच्छे से भीष्म साहनी की और मुंशी प्रेमचंद की तो इन्हीं कहानियों पे आधारित कुछ सवाल है बहुत हल्के फुल्के सवाल है पहला राउंड है तो आराम से ठंडे ठंडे चलेंगे ठीक है तो पहला सवाल टीम यमुना के लिए हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या उपाय किया था, था। मैं आपको दस सेकेंड दूंगा। हल्कों ने ठंडी से बचने के लिए पहले कमल का कमल के बारे में सोचा था लेकिन जब सहना आया तो उसने वो पैसे उसे लौटा दिए तो बाद में अंधेरी रात में पूछ के अंधेरी रात में वो खेती के खेती में चला गया तो वहाँ से उसने एक कटिया थी यानी कि पलंग उस पर उसने वो एक पुराने गाड़ी की चादर थी वह लेकर सो गया लेकिन उसे ठंड तो नहीं लग रही थी मेरे ख्याल से उस समय जवाब बहुत ही सीधा था उसने अलाव जलाया किस प्रेमचंद जी ने अपने कहानी में पुष्प की रात का जिक्र किया है बहुत आसान सवाल था मुझे मालूम है लेकिन आपको दस अंक मिलते हैं इसके लिए बिल्कुल सही जवाब था तो सबसे पहले अंक आज की इस प्रतियोगिता के टीम इंदिरा गांधी को जाते हैं इन्हें दस अंक मिलते हैं अब आगे बढ़ते हैं टीम महादेव की और आपका सवाल है ये शामना चीफ को दावत क्यों देता है आपको मैं दस सेकंड दूंगा और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से बोलिए अपना जवाब ताकि उसका स्तर आगे बढ़ाने के लिए यानी प्रमोशन चलिए मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा इसके लिए तरक्की तरक्की इज द राइट वर्ड लेकिन जो आपका जवाब था वो सही था तालियां हो जाए इनके लिए टीम महादेव को भी 10 अंक मिलते हैं और बढ़ते हैं चौथी और आखिरी टीम की ओर आपका सवाल है श्यामनाथ की माँ कहाँ की रहने वाली थी श्यामनाथ की माँ पंजाब की रहने वाली थी आ, थोड़ा और हरिद्वार फॉर्चुनेटली मैं आपको इसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं दे सकता शामनाथ की मां गांव की रहने वाली थी तो ये सही जवाब है इस किताब से चलिए कोई बात नहीं तो यह था पहला राउंड खत्म हुआ हमारा कुछ टीमों ने स्कोर किया कुछ टीमों ने स्कोर नहीं किया लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पांच राउंड है इस फाइनल प्रतियोगिता में अभी बहुत कुछ होना बाकी है आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर द्वितीय राउंड और ये जो दूसरा राउंड है इसमें भी वैसे ही होगा हम वहां से शुरू करेंगे इस बार और ये व्याकरण दौर है ऑन क्वेश्चन तो हम शुरू करते हैं दूसरा राउंड टीम तिरंगा से पंजाबी शब्द कौन सा लिंग है दोनों में से कोई एक लिंग होगा स्त्रीलिंग बिल्कुल सही जवाब है आपका दस अंक मिलते हैं आपको टीम तिरंगा ने बिल्कुल सही जवाब दिया पंजाबी ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है अब बढ़ते हैं टीम महादेव की ओर। इन्होंने पहले राउंड में सही जवाब दिया था देखते हैं कि दूसरे राउंड में ये क्या करते हैं मुझे ये बताइए कि लिखना ये जो शब्द है लिखना इसकी भावाचक संज्ञा क्या है आपको मैं दस सेकंड दूंगा और नहीं तो I'll have to pass you. आपने सोचा सोचा बहुत टाइम लिया लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया आपने जोरदार ताली हो जाए पिछली बार भी इनके साथ यही हुआ इन्होंने काफी समय लिया जवाब देने में लेकिन वॉट मैटर्स इज कि आपने सही जवाब दिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेंट जेवियर्स मापसा टीम इंदिरा गांधी अग्नि का समानार्थी शब्द बताइए आग अग्नि का समान अर्थी शब्द आग पावक कुछ भी हो सकता है बिल्कुल सही जवाब है आपका तो दस अंक मिलते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने तो टीम इंदिरा गांधी को दस अंक मिलते हैं और आखिरी सवाल है टीम यमुना के लिए सच्चा ये जो शब्द है सच्चा ये किस प्रकार का विशेषण है आपने भी बहुत देर सोचा सोचा लेकिन आपका जवाब भी सही निकला तो चलिए दस अंक आपके लिए भी वेल डन टीम यमुना बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके साथ ही हमारा दूसरा राउंड समाप्त होता है चलिए देखते हैं कि स्कोर्स क्या है तो चलिए देखते हैं कि स्कोर्स क्या है दूसरे राउंड के बाद टीम यमुना का स्कोर दूसरे राउंड के बाद है दस अंक जोरदार तालियां जॉइन इनके लिए और 10 अंकों पे ही इनका साथ दे रहे हैं टीम तिरंगा इनके लिए भी तालियां हो जाए 20 अंक पे है टीम इंदिरा गांधी सेंट जेवियर्स मापसा से और 20 अंकों पे है टीम महादेव एम वास्को से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे दौर की ओर तो चलिए तीसरा दौर शुरू करते हैं जो तीसरा दौर है हमारा वो एक बजर राउंड है आपके सामने बजर है जो भी टीम पहले बटन दबाएगी और जिनका बजर सबसे पहले जलेगा उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको पांच अंक मिलेंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो माइनस फाइव आपके पांच अंक डिडक्ट किए जाएंगे तो सोच समझ के बजर दबाइए आपके सामने एक चित्र आने वाला है आपको ये बताना है कि ये किस व्यक्ति का चित्र है हिंदी भाषा का सवाल है ये एक बहुत ही महान हस्ती है इतना ही मैं कहना चाहूँगा आखिरी के पाँच सेकंड, नहीं तो ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं कोई रिस्क लेना चाहता है प्लस फाइव माइनस फाइव नहीं कोई टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती ऑडियंस की ओर बढ़ते हैं नहीं जी नहीं ये है निराला निराला जी का ये चित्र है तो किसी टीम को कोई अंक नहीं मिलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपको मुझे यह बताना है कि यह किस गार्डन का चित्र है हाथ बजर पे आपके सामने चित्र यह आया आखिरी पांच सेकंड चलिए लगता है कोई भी टीम कोई चांस नहीं लेना चाहती है ऑडियंस की ओर बढ़ते हैं यह है मशहूर वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में है अगला सवाल आपके सामने जल्दी आएगा उंगलिया बजर पे थोड़ा आसान सा सवाल है एक लोक नृत्य दिखाया जाएगा आपको फोक डांस लोक नृत्य आपको बताना है कि ये कौन सा लोक नृत्य है ये रहा चित्र आपके सामने चलिए यमुना ने तुरंत बजर दबाया लेकिन वो थोड़ा सोच रहे हैं मांडो।, मांडो है पक्का या। मुझे भी मांडो जैसा ही लग रहा है वो <laughs> तो आपको मिलते हैं पांच अंक जोरदार ताले हो जाए टीम यमुना के लिए अच्छा अगला सवाल भी जो है वो भी आसानी है एक महान व्यक्ति का चित्र आपके सामने आने वाला है आपको बताना है कि ये महान व्यक्ति कौन है सबने फटाफट बजर दबाए लेकिन सबसे पहले बजर दबाया सेंट जेवियर्स मापसा टीम ब... इंदिरा गांधी लोकमान्य ट्रिया बिल्कुल सही जवाब है आपका लोकमान्य गंगाधर तिलक इनका चित्र है, है ये आगे बढ़ते हैं ये भी आसान सा ही सवाल है एक महान व्यक्ति का चित्र आने वाला है आपके सामने आपको पहचानना है कि ये महान व्यक्ति कौन है ये चित्र आपके सामने अब आएगा सबने बजर दबाया लेकिन सबसे पहले बजर दबाया टीम इंदिरा गांधी ने स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब स्वामी विवेकानंद पांच अंक मिलते हैं टीम सेंट जेवियर्स मापसा अब इसके बाद एक और चित्र आएगा यह भी जानी पहचानी व्यक्ति है महान तो अभी नहीं कह सकते इनको लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद ये भी इनकी भी गिनती महान में होगी आपको बताने कि यह किसका चित्र है अच्छा सबने बजर दबाया फिर से एक बार लेकिन सबसे पहले बजर दबाया टीम तिरंगा ने रोजरी नावेली से आनंद विश्वनाथ आपको मैं पांच अंक दे दूंगा विश्वनाथन आनंद है जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन है भारत के बहुत ही जानी मानी हस्ती है तो चलिए तीसरा दौर खत्म हुआ